चुनाव के आते ही सभी सियासी पार्टियां गर्मी पकड़े हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनकी बढ़ाई और विकास कार्यों को लेकर वो अपनी अब समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में जनता क्या कहती है, आइए जानना चाहेंगे। आज हम मौजूद हैं बरेली के कोतबखाना क्षेत्र में और जानेंगे जनता से कि आखिर क्या उनकी राय है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। हसनैन जी, जानना चाहेंगे चुनाव आने वाले हैं जी, क्या राय है चुनाव को लेकर आपकी? देखो, चुनाव को लेकर यह है कि इस वक्त जो सरकार बैठी हुई है, हमें ये नहीं मतलब सरकार कौन सी है, ठीक है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की हो, तो जो सरकार चाहती पब्लिक को देना चाहती है वो नहीं दे रही। बोले पब्लिक को चाहिए रोज़गार, चाहिए खाना, चाहिए सस्ता, चाहिए, महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार का कहना है हमने विकास कार्यों को भी कराया और लोगों को रोज़गार भी दिया। अरे विकास कार्य कहाँ हो रहा है, यहाँ पे पुल बनने वाला है, इसी जगह जहाँ आप खड़े हुए हैं ये पुल बनेगा, पुल से कितनी परेशानी होगी, कम से कम 2 साल के लिए दुकानदारी यहाँ की गई। कब से चर्चा है इस पुल की? ये अब दिवाली बाद कह रहे थे, दिवाली बाद में बनेगा, अब दिवाली हो गई है, अब आज से अभी इसी महीने से अगर शुरू हो गया तो 1-1.5 साल के लिए तो यहाँ की दुकानदारी। राय क्या है फिर, आने वाला चुनाव है, किसे आप समर्थन? बिल्कुल, मतलब ये इस सरकार का तो नहीं है कि ये सरकार हटनी चाहिए, ताकि बहुत टाइम हो गया, कोई विकास कहते बहुत हैं, मुँह से ज़्यादा कहते हैं, करते कुछ नहीं है। मुँह से ज़्यादा है इनका कि हर काम ये करेंगे हम, वो करेंगे, लेकिन ना आज तक करा है ना आगे करने की उम्मीद है। तो ये सरकार हटना चाहिए, दूसरी सरकार कोई भी आए। और मेरे साथ जनता में लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। कुछ युवा लोग हैं, दुकानदार हैं, आइए जानेंगे उनसे कि क्या राय है उनकी। आइए, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नीतू गुप्ता है। जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव आने वाले हैं जी, किस तरह की सरकार, मतलब क्या बदलाव चाहते हैं, कुछ क्या चाहते हैं? हमें मतलब जो किसान हैं हमारे, हमें उनको उनके लिए ही मतलब जैसे सरकार है उनके लिए ही मतलब जैसे कितने नुकसान हुए, अभी तो बारिश हो गई गांव में, धान वगैरह सबके ख़राब हो गए, तो उनकी मदद के लिए सरकार अच्छा सा अच्छा काम करे, बस हम यही चाहते हैं ऐसी सरकार की। मतलब कुछ ऐसे काम किए गए सरकार की ओर से जो उनके फ़ायदेमंद हो? फ़ायदेमंद हाँ, बहुत मतलब उन्होंने किसानों के लिए बहुत मदद भी की है, और मतलब जैसे कि सब बहुत चीज़ों की योजना निकाली है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ, और लॉकडाउन में भी उन्होंने मतलब लोगों को पैसों से मदद की है, राशन पानी से सबसे मदद की है। क्या चाहोगे इस बार, सरकार यही रहनी चाहिए या बदलाव? नहीं, मैं बदलाव नहीं चाहती, मैं तो चाहती यही सरकार रहे। महिमा गुप्ता। महिमा जी, जानना चाहेंगे कि चुनाव आने वाले हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं इस सरकार में या फिर वही सरकार? वैसे तो सरकार यही सही कर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो बेरोजगार हैं तो कम से कम उनको जॉब दी जाए, बस मतलब बाकी यही सरकार चाहते हैं। हाँ, बाकी तो ये सरकार सब कुछ सही किया है उन्होंने आज तक। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, हमने बाजारों में घूमकर देखा, लोगों से जाना, तो किसी का कहना है कि सरकार में बदलाव चाहिए, कोई कहता है कि यही सरकार बेहतर है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, कोई कहता है कि सरकार ने हमारे हित के लिए काम किए हैं, और कोई कहता है कि हमको इस सरकार में बदलाव चाहिए, कि सरकार ने उनके लिए कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे वो उस सरकार को दोबारा देखना चाहते हों। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आम जनता की क्या राय है और ख़ासकर व्यापारी वर्गों की क्या राय है, वो किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज मैं गाज़ियाबाद की नंदग्राम मार्केट में पहुंचा हूं, और यहां पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहां वो व्यापारी मौजूद हैं जो कि एक साइलेंट वोट के नाम पर काम करते हैं, कुछ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे हम शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। रजनीश। रजनीश जी, आप किसको मुख्यमंत्री इस बार बनता हुआ देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो हम योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहेंगे बनते हुए। अच्छा, क्यों योगी आदित्यनाथ ही क्यों? क्यों, उन्होंने विकास कराए हैं हमारे, उसमें राम मंदिर बनवा दिया, नए नए रोड बनवा रहे हैं, बस उन्हीं की सपोर्ट में हैं। अच्छा, अखिलेश यादव, मायावती, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। आम आदमी पार्टी से भी कोई नहीं? नहीं, आम आदमी पार्टी में से भी कोई नहीं। अच्छा, और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जाते हैं। जी, आपका क्या नाम है? हिमांशु चड्ढा। हिमांशु जी, आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री की दौड़ में तो मैं कहना चाहूँगा अभी तो इस बार ही योगी आदित्यनाथ को ही मौका दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? अभी कह सकते हैं कि अभी हमारे पास मौजूदा रूप में कोई भी विकल्प अवेलेबल नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन संगठन के रूप में उनको भी काम करने की ज़रूरत है, तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश स्तर पर अभी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए और उन्हीं को ही विजय करना चाहिए।
बाकी अगर हम बात करें विधानसभा की, तो हम यहाँ के मौजूदा विधायक के काम से तो इतने संतुष्ट नहीं है, बट ये है कि सीएम फेस को देख के वोट डालेंगे तो योगी जी निश्चित है। अच्छा, एक सवाल आपसे, अखिलेश यादव, मायावती या इनके अलावा प्रियंका गांधी, इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए यूपी का? देखो, अखिलेश को तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, और मायावती को भी देख चुके हैं, तो मायावती को तो दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मतलब फिर वही दोबारा पार्कों का निर्माण और मूर्ति स्थापना और एंड ऑल। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के टाइम में जो क्राइम वगैरह हुआ था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसको देखते हुए तो हमें लगता है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ही ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर इन्होंने काम किया है, काफ़ी हद तक अच्छा इम्प्रूव किया है, तो अभी तो फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ठीक है। चलिए देखिए, एक युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि युवा क्या सोच रखते हैं। क्या नाम है आपका? हनु शुक्ला। क्या लगता है आपको, कौन मुख्यमंत्री आपके हिसाब से होना चाहिए? मेरे हिसाब से भी जैसे भैया जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सीएम फेस देखें तो वो थोड़ा मैच्योरिटी टाइप्स होना चाहिए, तो उसमें मैं सोचता हूँ अखिलेश यादव मैच्योर नहीं है। वो हैं, पर उनका हमने देख चुके हैं, वो दो बार बने थे यहाँ से, तो क्राइम बहुत हो गया था उनके टाइम में, क्राइम था, मतलब कुछ भी सही से नहीं हो रहा था, तो जब देख रहे थे हम, नेगेटिव वाइब थी उनकी, इस वजह से उन्हें नहीं चाहते अब। अच्छा, अगर मायावती की बात की जाए, चार बार रह चुकी हैं और कहते हैं कि उनके समय पर लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो जाता है, तो क्या लगता है? बस फिर वो लॉ एंड ऑर्डर हुआ, बट उन्होंने फिर अपना ही, जिसे कहते हैं थोड़ा मीन टाइप, अपने हिसाब से फिर उन्होंने शुरू कर दिया था काम करवाना, अपना विकास शुरू कर दिया, उन्होंने पार्क बना दिया, उसमें इतना पैसा खर्च करा, जहाँ जो चीज़ जहाँ पे नहीं होना चाहिए था वहाँ पे शुरू कर दिया था उन्होंने, तो वो चीज़ भी सही नहीं थी, इस वजह से अब उन्हें भी नहीं चाहेंगे। जैसे वो चार बार बनी, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ जी एक बार बने हैं, और अब उनका बहुत अच्छा लगा है, उन्हें जो रिव्यू आए तो अच्छा लगा, हमें एक बार और ट्राई करेंगे, तो अगर उनके देखा जाए सीएम साइड तो उनके ही वोट देंगे हम। अच्छा, अगर एक बात की जाए, एक युवा चेहरा भी निकलकर सामने आ रहा है, चंद्रशेखर, क्या लगता है वो हैं इस दौड़ में? मुझे नहीं पता उनके बारे में। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ के जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा जिस तरह से है उसी तरह से आगे भी होती रहे। बहरहाल, अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो योगी आदित्यनाथ को इस मामले में सही मानते हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां बढ़ चुकी है। जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो यहां तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष हैं या फिर बड़े नेता हैं, वो अब यहां पर दौरे करने लगे हैं। अगर 11 तारीख की बात की जाए, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 11 तारीख में मेरठ में सीएम योगी है, जबकि पड़ोसी जो जिला है मुजफ्फरनगर, वहां पर अखिलेश यादव है। इसके अलावा जयंत चौधरी भी जुटे हुए हैं, यानी कि अब सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, और हम इस चुनाव को लेकर के लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस तरह का सीएम वो चाहते हैं। जो तीन लोग हैं, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मायावती, इन तीनों में से किसको लोग पसंद करते हैं, मेरे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे। शुरुआत करता हूँ, ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, ये बताइए सीएम पद के लिए तीन हम लोग आपको चॉइस दे रहे हैं, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, किसको पसंद करेंगे? योगी आदित्यनाथ को। अच्छा, रीजन? में बहुत अच्छा कर रहा हुआ है और आगे भी बहुत कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे लिए तो योगी आदित्यनाथ ही अच्छे हैं। अब ये बताओ, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? सीएम योगी आदित्यनाथ ही होना चाहिए। क्यों? बढ़िया काम कर रहा, बढ़िया काम। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? हमें जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, अच्छा, क्यों? रीजन बताइए। वो हमारा नेता है, नेता है हमारा। अच्छा, कौन होना चाहिए? जयंत चौधरी होना चाहिए। जयंत चौधरी होना चाहिए, काम करने लायक। तो गठबंधन में सीएम जयंत होना चाहिए अखिलेश के? गठबंधन में उप मुख्यमंत्री जयंत हो, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो। अच्छा, सीएम कौन होना चाहिए? योगी। योगी, तो फिलहाल मैंने काफी लोगों से यहाँ पर बात की है, अगर बात की जाए सीएम पद के चाहने वालों की और सीएम की, तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि योगी के कुछ लोग ज्यादा चाहने वाले हैं। सबसे बेहतर ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो अच्छी हुई है, उसको लेकर के लोग काफ़ी इंस्पायर हैं। हालांकि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए, तो काफ़ी लोग ऐसे भी मिले हैं जो अखिलेश यादव को चाह रहे हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो यहाँ पर जयंत चौधरी को चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री जयंत बन जाए। तो ये देखना होगा कि चुनाव में किस तरीके के परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो रियलिटी चेक है, उसमें अभी तक देखा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो काफ़ी बेहतर है। अपने सहयोगी तस्लीम राणा के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ इंडिया।
2022 विधानसभा चुनावों का समय आने वाला है और इसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस समय हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में लोगों से पता करेंगे कि सबसे बेहतर सीएम कौन है, उसी को लेकर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पता करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित जी, आप किसको मानते हैं बेहतर सीएम, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या मायावती? जितना भी शासन देखा है योगी आदित्यनाथ जी को सबसे बेहतर सीएम मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्या ऐसा खास देखा आपने? उनके शासन में पहले के मुकाबले काफ़ी विकास भी हुआ है और सबसे जो अच्छा काम किया उन्होंने गुंडागर्दी सबसे खत्म की उन्होंने। तो आप ये भी मानते हैं कि जो 2022 के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने चाहिए? बिल्कुल, 2022 में वो एक तरफा जीतेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश के जो उन्होंने कार्य किए हैं उनके हिसाब से आप कह रहे हैं। और भी कुछ लोग उनसे पता करते हैं, आपका क्या नाम सर? विनीत कुमार सर। विनीत जी, आप क्या, आपको क्या लगता है कौन बेहतर मुख्यमंत्री होंगे? योगी आदित्यनाथ जी सर। क्यों, किस वजह से? बेटर अचीव बेटर सर, आज तक अचीव बेटर हैं, उन्होंने अपना इतना काम किया है, इतना गुंडा तत्व खत्म कर दिया, करप्शन खत्म कर दिया, और क्या चाहिए सबको? नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं जो हमने कार्य कराए थे उनके उन्होंने फीते काट दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अपना उनका अलग हिसाब, तो उन्होंने अपने घर वालों को एडमिट किया, हर जगह जहाँ भी किया हर जगह, और इन्होंने फिर हर लोग घर से कोई संबंध नहीं अपना, ये अखिलेश बेटर। तो 2022 में आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ दोबारा से? श्योर। आपका क्या नाम है सर? विजय। विजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी आप देखेंगे पुरानी सरकारों में, देखिए सरकार आप देखिए, सबको मेनली चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे जो प्रशासन है वो काफ़ी सख्त नज़र पड़ेगा। आज पूरे कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी घूमेंगे रात के 12 बजे 1 बजे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई क्राइम नहीं है, कोई दंगे नहीं है। तो आज के टाइम पर कोई आम आदमी को क्या चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए, वो मिल रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ा है कि हम किसी और को ये शासन दें। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है उससे बेटर काम करेंगे। देखिए, एक क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि सबको लाइन पे ला दिया, नाम भी चेंज हो गए बहुत सारी जगह का, आपने देखा है। मैं खुद योगी को, मेरा इतिहास है, वापस आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि आज के टाइम में लोग बागों में देखे कि आप मंदिर जा रहे हैं, एक कभी योगी जी ने देखा है कि बाजार में जा रहे हैं, आप अपने धर्म का लिहाज करेंगे, आप मंदिर जरूर करेंगे, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। देखो, राजनीति गलत चीज़ है लेकिन मेरी आस्था ही गलत चीज़। मैं सभी को बोलता हूँ, मैं ऐसा कुछ हिंदू बोलती हूँ या माउंटेंस बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, दोबारा वापस पूरे वापस से आएंगे और विकास जो भी आपने देखा बोल रही जितना चल रहा है यूपी के अंदर और बढ़ेगा। अदर पार्टी में अगर आप देख रहे हैं ना, तो अदर पार्टी करके आएंगे केवल लोगों को गुमराह करेंगे। आज तेल का रोना बोलते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया है। अभी देखो ना, पहले बोलते हैं दिल्ली में सस्ता मिलता है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि यूपी में सस्ता मिल रहा है, 95 समथिंग है। दिल्ली वाले कम कर लें टैक्स, वैट को कम कर लीजिए, तो वो कह रहा ना ये लोगों को वर्ग ला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक आम आदमी को चाहिए सब उनको मिल रहा है, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रहा है, वैक्सीनेशन से लेकर सारी चीज़ें जो भी अभी तक योजना चल रही है सब गरीब आदमी तक मिल रही है, नीचे तक जाने पोर्टल में। तो इनका कहना है साफ तौर पर, जितने भी हम लोग हैं अभी, कि योगी आदित्यनाथ बेहतर सीएम है, तो हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहते हैं, कौन बेहतर सीएम है? क्यों बढ़िया, क्या ऐसा किया है उन्होंने? पानी इतना अच्छा किया है, इतने हाईवे बन गए, टॉयलेट इतने बन गए हैं गाँव गाँव में, और आवास योजना बहुत बढ़िया उनकी चल रही है, गरीब आदमी इतने थे उनके आवास बन गए, और गरीब आदमी क्या चाहिए। सुरक्षा भी है, सुरक्षा की कैसे, सुरक्षा की सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, रात के 11 बजे जाए तो 12 बजे जाए, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ जा रहे हो क्या है। तो आपको लगता है 2022 में सरकार सही होगी जाएंगे? तो ये देखिए, हमने ग्रेटर नोएडा के लोगों से बात की, उनसे पता किया कि बेहतर सीएम कौन है, तो उन्होंने यहाँ ज़्यादातर जो लोग थे उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर सीएम है, चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें। भूपेश प्रताप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा।